मत भूलो। तेरा दिल आरती को चाहता है और आरती का दिल फैमिली को। कहाँ से लाऊंगा फैमिली पे? भाड़े पे। नॉट ए बैड आइडिया। क्या है, हम लोग आज ऑडिशन ले लेगा ना तो शाम तक तेरा फैमिली रेडी। वाह भाई वाह, वाह वाह वाह, कितना अच्छा परिवार, कितने खूबसूरत लोग, कितने खानदानी, कितने संस्कारी। हेलो, मैं बड़े भैया बोल रहा हूँ। अरे पागल समझ रखा है क्या? आमिर खान की फिल्म छोड़ दूंगा, मैं जा रहा हूँ। अरे भाई धोती छोड़, बड़े भैया को पैदा करो। नहीं, मेरे को सिर्फ इतना पूछने का है कि अगर आज शाम तक मेरा भाड़े का पति नहीं आया तो किसका खोपड़ा देके मैं व्रत तोड़ूंगी? अगर आप ये नाटक नहीं करेंगे, हमारा साथ नहीं देंगे तो इसकी शादी टूट जाएगी, इसकी नौकरी चली जाएगी, ये सड़कों पे आ जाएगा। अब जिसका पति ना हो उसे डांस करने का मन होगा क्या? पति नहीं है। दरअसल मेरा बेटा बाल कटवाने गया है, जब तक बाल कटेंगे नहीं तब तक आएगा नहीं। बड़े भैया कहाँ हैं? उन्हें जल्दी से ढूंढ के लाओ और उनसे कहो जैसे भी बाल कटे हो जल्दी आ जाए। अच्छारी। अरे बड़े भैया आ गए। बड़े भैया आ गए। भैया दादा, 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 दादा। बड़े भैया आ गए, बड़े भैया आ गए, आ गए, आ गए। तुम्हें ये नहीं लग रहा है ये तुम्हारे बड़े भैया जो है कुछ बदले बदले से नजर आ रहे? पता नहीं सर, ऑफिस के काम में इतना बिजी रहता हूँ ना कभी ध्यान नहीं गया। ये ऑफिस है, ये घर है ना, यहाँ कहाँ तुम बिजी रहते हो? सर ध्यान से देखो। गुड ऑब्जर्वेशन सर, बदले बदले से लग रहा है। देख, लेकिन क्यों इतने बदले से क्यों नजर आ रहे? गुड क्वेश्चन सर। पिताजी आइए। नमस्ते। ये पूछ रहे हैं कि बड़े भैया अलग बदले बदले से क्यों नजर आ रहे हैं? बेटा जी, कब तक बाप की उंगली थाम कर चलते रहोगे? अपने रास्ते पे आने वाले सवालों के जवाब देना खुद सीखो बेटा। क्या कह रहे हैं आप पिताजी? उच्च विचार बेटा, उच्च विचार। क्यों समझी जी? मैं चलता हूँ। लेकिन ये क्यों? नहीं नहीं, मैं समझ गया, मैं समझ गया सर। ऐसा है कि दाढ़ी मूछ निकाल दिए ना बड़े भैया ना, इसीलिए आपको वो अलग दिख रहे हैं। वैसे वो कल वाले ही है वो। चलो चलो चलो, रीति रिवाज, चलो रसम, आइए आइए। अरे बड़े भैया। बेटा ये है, पानी पिलाओ, पानी पिलाओ। हाँ हाँ जी, पानी। मीठा खाया? हाँ थोड़ा सा। हाँ अपूर्व सर, आप खाएंगे मिठाई? अरे नहीं, तुम यहाँ आओ जी। बड़े भैया आ रहा हूँ मैं। हाँ जी सर। ये दाढ़ी मुझे कटवाने के बाद आदमी गोरा हो जाता है क्या? नहीं सर। तो फिर ये तुम्हारे बड़े भैया जो है वो काले से गोरे कैसे हो गए? चलो चलो, खाना लग चुका है और औरतों ने तो उपवास रखा हुआ है, तो वो उनको भूखा रखना मतलब पाप लगने के बराबर है। चलो चलो, खाना लग चुका है, आओ आओ। चलो चलो चलो, चलिए चलिए चलिए। भूखा तो मैं भी हूँ, लेकिन सवाल के जवाब के लिए। छोटी वाली ना ऐसी है, सबको तंग करती रहती है। ओहो, भुक्कड़, क्या टाइम हो रहा है, तू क्या कर रहा है? अबे डिनर टाइम हुआ है, डिनर कर रहा हूँ। नहीं नहीं, अभी प्ले। Oh
कुछ चाहिए सर आपको? तुम्हारे बड़े भैया कहाँ है? बड़े भैया यही तो थे, क्यों कुछ काम था? नहीं मिल नहीं रहे, मैं उन्हीं को ढूंढूंगा। सो डोंट वरी सर, मैं बुला के लाता हूँ। ना ना ना, मैं ढूंढ लूंगा। हाँ मैं ढूंढ लूंगा जी। आप खाइए ना, प्लीज प्लीज लीजिए पिताजी। हाँ खाइए, गुलाब जाम खाइए। भाई चल, उन्हें रोकना पड़ेगा। अबे तो तू रुक गया, चल ना। किसी ने मुझे रोक लिया है? क्या बात कर रहे हैं। क्या हो रहा है नीचे? नीचे अलग बूफे लगाए। अपूर्व भैया देखिए, हमारे लिए बड़ी विकट परिस्थितियों का निर्माण हो गया है। आपको लग सकता है कि हम आपसे शिकायत कर रहे हैं, किंतु ऐसी कोई बात नहीं है। परंतु परिस्थितियां ही कुछ ऐसी हैं जिनका समाधान अति आवश्यक हो गया है, वरना हम यहाँ कैसे हैं? जल्दी मुख्य बिंदु पर आइए, त्वरित। आपके घर में जो सज्जन है? ए, हमारे घर में कोई सज्जन नहीं है, सबके सब। नहीं नहीं, एक सज्जन पुरुष है, वो बड़ी बड़ी मूंछों वाले। आजा आजा, हाँ, अंकल अंकल। हाँ, जिन्हें आप अंकल कहकर पुकारते हैं, और अक्सर हमारे यहाँ के लोग उन्हें काका चाचा या मामा कहकर पुकारा करते हैं। ए भाई, ओ आगे बढ़ो ना यार, आगे बोलो ना। हाँ वही बता रहे हैं। हाँ। वो सज्जन लगातार हमें संदेह भरी दृष्टि से घूर रहे हैं। ए, मेरे चश्मे वाले कालिदास, हम सब संभाल लेंगे। पक्का संभाल लेंगे? हाँ निश्चित तौर पे संभाल लेंगे। मुझे हाँ से ज्यादा हिंदी नहीं आती है, बोला ना। हाँ तब ठीक है। अब आप ये जानना चाहेंगे कि हमारा हृदय परिवर्तन हुआ कैसे और हम वापस क्यों आए? देखो, तुम वापस आ गए उतना ही काफी है, हमारे मन में कोई संदेह नहीं है। लेकिन हृदय परिवर्तन करके वापस जाने की चेष्टा ना करें। नहीं नहीं, आप सुनिए तो सही, हमने ये निर्णय लिया कैसे? हमने वो गाय वाली कहानी अपने आश्रम के बच्चों को सुनाई, सबने यही कहा कि ऐसा झूठ वो भी बोलना चाहेंगे। और एक महान झूठ बोलकर आपसे दोगुना चंदा लेकर हम भी अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल कर सकते हैं। मेरे बच्चों ने हमारी आंखें खोल दी और हमें दिखाई दिया सामने से संकट आ रहा है। क्या क्या? अंकल गुलाब जामुन। बस 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 बेटा बस, अरे कितने खाइए ना, कितने दोगी? डायबिटीज हो जाएगा बेटा। कुछ नहीं होगा आपको। आपको पता है आज मैं बहुत खुश हूँ, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था मुझे इतना अच्छा इतना प्यारा परिवार मिलेगा। मैं भी बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए बेटा, लेकिन दाल में कुछ काला है। अच्छा, दाल में जरूर कोकम आया होगा। नहीं बेटा, इस दाल की बात नहीं कर रहा हूँ, इस घर में जो दाल पक रही है ना उसकी बात कर रहा हूँ। जरूर कुछ गड़बड़ है, तुमने देखा नहीं बड़े भैया अचानक बदल गए एकदम? हाँ मैं भी यही सोच रही थी, करवा चौथ के पहले दाढ़ी में थोड़े उदास से लगते थे, अब देखिए कितने ब्राइट और हैंडसम हो गए हैं, है ना आरती? मेरे साथ जरा अंदर चलोगी? जी भाभी। हाँ। मैं अभी आई। हाँ, हाँ। कुछ गड़बड़ है। दाल रह गई, दाल नहीं। तो देखिए, हम भोजन के वक्त वार्तालाप करना उचित नहीं समझते, इससे पाचन क्रिया की गति धीमी पड़ जाती है। अच्छा, विचार तो परिवार के बाकी लोगों जैसे ही है, लेकिन गायब हो गया। दाल में कुछ काला है, इसलिए दाल भी नहीं ली। ये कल तक जो काला था आज गोरा हो गया है, कल तक जो हिंदी बोलता था आज शुद्ध हिंदी बोलने लगा है। दाल में कुछ काला है। ए पल्लवी, तुम्हारे लिए कुछ लाके देगा? अच्छा खुद लेगा। ए, तुम हमसे दूर क्यों भागता है? हम तो तुम्हारा पोती है।
जी हमारा मतलब है कि एक घर में हम तुम्हारा पति का रोल करता है ना। जी हमारा मतलब है कि एक घर में हम तुम्हारा पति का रोल करता है ना। पल्लवी तुम्हारा गांव कौन सा है? कटोरी साहब। कौन सा? कटोरी साहब इनसे कहिए कि हमसे इतनी बात ना करें। अरे ना पापा पापा पल्लवी हम क्या बोलता है तुम हमसे बात करो नहीं तो वो अंकल है ना उनको शौक लगेगा। शौक? डाउट हो जाएगा कि हम दोनों पति पत्नी नहीं है। उनको बड़ा भैया के ऊपर ऑलरेडी डाउट हो गया है। कचोरी साहब इनसे कहिए कि उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। हम तुम्हारा बाजू में बैठा है हमसे डायरेक्ट क्यों नहीं बात करता है? कचोरी से करता है, चम्मच से करता है, सब्जी से, रोटी से, प्लेट से, सबसे बात करता है। हमसे क्यों नहीं तुम बात करता है डायरेक्ट? सब्जी साहब खत्म हो गया है। रोटी साहब इनसे कहिए कि इतनी जोर से बात ना करें, कहीं अंकल ने सुन लिया तो उन्हें शक हो जाएगा कि हम दोनों पति पत्नी नहीं है। रोटी साहब समदन जी हाँ? एक सवाल पूछना था। अपूर्व वहाँ है। आपसे पूछना चाहता हूँ। मुझसे? पूछिए। आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपका बड़ा बेटा कुछ बदल सा गया है? ऐसा है ना समदी जी, बच्चों का ऐसा ही होता है, जैसे बड़े होते जाते हैं चेहरा बदल ही जाता है। दैट्स ओके, लेकिन एक दिन में इतना सारा फर्क? हाँ अब देखिए ना, कल वो औरंगजेब था और आज वो जिल्ले इलाही बन गया है। जिल्ले इलाही? नहीं पहचाना? अकबर अजीब शान शहंशाह। नहीं नहीं नहीं, कौन? नहीं वो कौन है? अच्छा माँ के कहने का मतलब ये है कि दाढ़ी के साथ बड़े भैया बिल्कुल औरंगजेब की तरह दिखते हैं और बगैर दाढ़ी मतलब क्लीन शेवन सलीम। मैं अभी भी नहीं समझा। हर करवा चौथ को बड़े भैया जो है अपनी दाढ़ी मूछ निकाल देते हैं और बिल्कुल दूसरे दिन से ही दाढ़ी मूछ फिर से उगाने लगते हैं जो कटती है अगले करवा चौथ को। तो इसीलिए आपको दिक्कत हो रही होगी उन्हें पहचानने में, है ना? लेकिन 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 जाने दीजिए ना, मेरे बड़े बेटे का ऐसा ही है। जब वो छोटा था ना तब भी ऐसा ही होता था स्कूल में। आपका बड़ा वाला जब छोटा था तब से उसे दाढ़ी है? नहीं नहीं दाढ़ी नहीं, वो बाल जब कटवा कर जाता था ना स्कूल तो टीचर भी उसे नहीं पहचान सकती थी। वो पांचवी में था ना तो टीचर उसे तीसरी में बिठा देती थी। नहीं नहीं मैं ये जानना चाहता हूँ कि बाल कटाने के बाद आदमी इतना कैसे बदल सकता है? इसे समझाओ। किसी भी तरह लेकिन समझाओ। अब मैं समझाती हूँ जी। मेरे वो है ना, वो मतलब ये जो है ना, हाँ ये ही है वो। बिना दाढ़ी मूछ के बिल्कुल अलग ही लगते हैं। निकाल के दिखाइए। अरे क्या शेव नहीं कर सकते पिताजी? माँ समधी जी को तकलीफ क्यों दे रहे हैं आप लोग? मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि एक काला आदमी गोरा कैसे हो गया? अरे ये ऐसा झूठ मत बोलो। समधी जी को तकलीफ क्यों दे रहे हैं आप लोग? मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि एक काला आदमी गोरा कैसे हो गया? डॉक्टर को बुलाओ। अरे आप खुद डॉक्टर हैं, फिर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि डॉक्टर को बुलाओ? मैं डॉक्टर हूँ। ये ऐसा क्यों पूछ रहा है मैं डॉक्टर हूँ? नहीं नहीं बड़े भैया ने पूछा नहीं, बड़े भैया ने कहा मैं डॉक्टर हूँ। क्या कि हमारे बड़े भैया इतने नम्र है कि ऐसे लगता है कि उन्होंने पूछा। अच्छा चलिए आप ही की बीवी है, चेक कीजिए उसका पैर, चेक कीजिए।
ऐसा क्यों कर रहे हैं? इन्हीं की बीवी है, फिर ठीक से बैग क्यों नहीं चेक कर रहे? देखिए मैं तो आश्रम चलाता हूं। गृहस्थ आश्रम चलाता है मेरा बेटा। ये पति है, ये पत्नी है, दोनों मिलकर गृहस्थ आश्रम चलाते हैं। तो पाप हो जाएगा। कैसे? करवा चौथ के दिन पत्नी अपने पति के पैर छूकर उपवास तोड़ती है, और अगर पति उस दिन अपने पत्नी के पैरों को हाथ लगाएगा तो ग्रंथों के अनुसार महापाप हो जाएगा। अच्छा, और मेरा बेटा इतना गिरा हुआ नहीं है कि अपनी गिरी हुई बीवी के पैरों को हाथ लगा के उसे पाप का भागी बनाए। कितने उच्च विचार, कितने महान विचार हैं आप लोगों के। भैया मैं वो वाली दवाई लगा दूं जो मोच आने पर आप मुझे लगाते थे ना? लगा दो। चलो लेकर चलो, सब लोग चलते हैं। संभाल के बेटा। चलो इधर। हाँ चलो आओ, चलिए। कितनी महान फैमिली, धन्य हो गया हूँ मैं। हाँ अगर ये पता चल जाए कि ये बड़े भैया काले से गोरे कैसे हो गए तो डबल धन्य हो जाऊंगा मैं। क्या मैं सच में ऐसे परिवार के बीच हूँ जहाँ सब इतने अच्छे इतने प्यारे हो, जो मुझ जैसी नादान का इतना ही? झूठ मत बोलो। क्या कर रहे थे तुम? आंखें मूंद के क्या कर रही थी? नहीं, जब मैं आंखें मूंद के खड़ी थी तो तुम क्या करना चाहते थे? कुछ नहीं, वो क्या रीति रिवाज निभा रहा था। रीति रिवाज? हाँ, वो मीठा पांच की विधि। मीठा पांच? वो क्या होता है मीठा पांच? जैसे कड़वा चौथ होता है वैसे ये मीठा पांच होता है। मतलब कड़वा चौथ में चांद देखने के बाद ये रिवाज निभाते हैं मीठा पांच का। उसमें पति पत्नी को जफ्फी मारता है पांच बार, यू नो। पर मैं तो पत्नी हूं ही नहीं। हेलो, तुमने अभी करवा चौथ का व्रत निभाया ना? है ना, तो फिर मन से तुम मुझे अपना पति मान चुकी हो। सो इट्स जफ्फी टाइम बेबी। और ये फिल्मों में होता है। मैं पर ऐसा किसी फिल्म में नहीं देखा मैंने। अरे कमाल करती हो तुम। देखो उस फिल्म में था नहीं, शायद सेंसर वाले काट देते ये। अच्छा तो। अब मैं भाभी को पूछ के आती हूँ ना, एक मिनट। क्या बात बात पे तुम माँ भाभी बहन के पास दौड़ी चली जाती हो? जब से मुंबई आया हूँ मेरा परिवार ही तुम्हारे लिए सब कुछ है, मैं तो तुम्हें दिखता ही नहीं। मुझे क्या दिखता है बताओ? मुझे दिखता है कि मैं सपना देख रही हूँ। क्या मैं सच में ऐसे परिवार के बीच हूँ जहाँ सब इतने अच्छे इतने प्यारे हो, जो मुझ जैसी नादान का इतना ख्याल रखते हो? क्या ये सब सच है? बताओ ना, क्या ये सब सच है? ये सच है। अगर ये सपना भी हो ना, तो मैं नहीं चाहती ये सपना कभी खत्म हो। इसीलिए मैं आंखें मूंद कर इस सपने को कैद कर रही थी, ताकि मैं इस परिवार से कभी ना बिछड़ूं। आरती, मैं तुम्हारा ये सपना कभी टूटने नहीं दूंगा। तो फिर देख क्या रहे हो? मीठा पांच की विधि नहीं पूरी करनी?
खुल गया। जी जी हाँ, तो किस काल में लिखी जाएगी कंकोत्री? हमें लगता है कि कंकोत्री भविष्य काल में लिखी जानी चाहिए। पंकज रुको, हमें तुम्हारे राज के बारे में पता चल गया है। भाई साहब आगे छोड़ देंगे? कुछ दिन ये नाटक और जारी रखना है, एक बार शादी होगी मैं तो चला मॉरिशस। ये हरिराम है हमारे घर के केयरटेकर। मालिक हमें आपको ना एक राज की बात बतानी। तो सर आप नहीं, अभी मत जाइए, आपसे बहुत जरूरी बात करनी। इस वक्त नहीं मालिक, आप समझते क्यों नहीं मालिक? हरिराम इस वक्त नहीं, मेरी बात बहुत जरूरी है। ये भगवान, मुझे समधी जी से बात करनी है। नहीं ये आप क्या कह रहे हैं दा?